दोस्तों, टाइटल और टैग्स देख के तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसके कर्ली बाल है और जो कर्ली बाल से बहुत परेशान है। जैसे कि दोस्तों, मैं खुद अपने कर्ली बालों से बहुत परेशान था, तो मैं लास्ट में ये स्टेप उठाया दोस्तों। तो ये स्टेप उन्हीं के लिए है जो कर्ली बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं दोस्तों। कर्ली बाल बहुत परेशान कर रखते हैं, अपने हेयर स्टाइल का बैंड बजा देती है दोस्तों। तो आज के हम करेंगे इस स्ट्रेटनर जो है नोवा का NS80। देखिए दोस्तों, ये नोवा का NS80, सॉरी दोस्तों, मेरा स्टैंड थोड़ा गिर गया था। तो ये नोवा का NS80 है, देखिए इधर देखिए, नोवा NS80 हेयर स्ट्रेटनर। ये देखिए दोस्तों, ये हेयर स्ट्रेटनर, ये फर्स्ट 30 मिनट्स। तो फिर इसका प्राइस हम दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए इसका प्राइस, थोड़ा फोकस, हाँ ये देखिए दोस्तों, इसका प्राइस है करीब 2495 रुपीज़, ठीक है। तो दोस्तों, ये थोड़ा चीप प्राइस है दोस्तों, ये चीप प्राइस में मिलता है दोस्तों। ये तो प्रोडक्ट का स्टिकर से जो कि ब्रांड में लिखा होता है, तो ब्रांड है नोवा NS870, ठीक है। तो दोस्तों, इसका प्राइस इतना नहीं है, इसका प्राइस है ओनली 600 रुपीज़, जो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूंगा, आप वहां से खरीद लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही चीप प्राइस में। तो बिना कोई वक्त गवाए मैं आज शुरू करता हूँ इस वीडियो को। इसका हम करेंगे अनबॉक्सिंग और कुछ क्विक रिव्यूज आपके लिए, कौन सा बेहतर होगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि क्रोमा का हेयर, नोवा का हेयर स्ट्रेटनर, तो नोवा हेयर स्ट्रेटनर आप सर्च कर सकते हैं। तो हेयर स्ट्रेटनर सर्च करने के बाद ये देखिए दोस्तों, इसका तो प्राइस बहुत ही कम हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑफर चल रहा है, आप आज ही खरीद लीजिए। 40 रुपीज का डिलीवरी चार्ज है और इधर 475 में प्राइस है। तो हमने खरीदा था करीब 6000 रुपए का विदाउट डिलीवरी चार्ज। तो और दोस्तों, आप फायदा ही होगा, जो टोटल 75 रुपीज़ और इधर 40 रुपीज़ मिला के होता है 625 रुपीज़। तो दोस्तों, इसे खरीद लीजिए जल्दी से जल्दी, तो आपके फायदा होगा। बताया था इसका स्ट्रेटनर देखा, तो इसका बहुत कम प्राइस में है, तो ये तो फैक्ट्री प्राइस में देगा। और ये तो बस स्टिकर से दोस्तों, इसमें हम कोई मायने नहीं रखेंगे। तो आज कुछ देखते हैं कुछ फैसिलिटीज का। ये फास्ट चार्जिंग 30 मिनट्स है दोस्तों, देखिए ये फास्ट चार्जिंग 30, देखा फास्ट रेडी 30। इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है 220 डिग्री। और ये अब इसका करते हैं थोड़ा अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग फर्स्ट लुक देखते हैं दोस्तों, इसका फर्स्ट लुक कैसा आता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा स्ट्रेटनर ऐसे पैक में आता है। इसको खोलते हैं तो इसका जो वायर है ना, वो बहुत ही बड़ा है, तो ये वायर बहुत काम में आएगा आपको। इसको देखते हैं, खोलते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है नोवा का NS870 रेड, और जैसे कि ब्लैक कलर में, रेड और ब्लैक। तो इधर दोस्तों इसका स्विच है, जैसे कि ये वाला इसका स्विच है। और इधर दोस्तों, इधर टेम्परेचर है, देखिए दोस्तों टेम्परेचर है। और ये जो प्लेट्स है, इसका प्लेट, ये दोस्तों ये प्लेट्स है सेरामिक प्लेट, जो कि बहुत ही प्रोटेक्टिंग करता है दोस्तों। ये आपको बालों को, कर्ली बालों को स्ट्रेट करने में बहुत मदद करेगा। और ये दोस्तों, इसका एडाप्टर भी इंडियन है दोस्तों, ये प्लग इंडियन ही आता है, क्योंकि इंडिया में मिलता है। तो फिर दोस्तों, मैं इसे अब ट्राई करके दिखाता हूँ बोर्ड पे। तो ये हो गया दोस्तों इसका पूरा अनबॉक्सिंग। ये रहा प्रोडक्ट, इसका पैकेट ये रहा, और ये भी है, और ये पूरा प्रोडक्ट दोस्तों, ये रहा प्रोडक्ट, ये नोवा देखिए। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ फ्लैश चला के टेम्परेचर का, जो ये देखिए दोस्तों 220 डिग्री सबसे हाईएस्ट, उसके बाद
200 डिग्री, 180 डिग्री सी एंड 160 डिग्री सी। और ये इसका ये वाला है, ये बटन है, इस बटन से काम करते हैं इस टेम्परेचर को कंट्रोल। और ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं, ये प्लेट्स, ये सेरामिक प्लेट्स है, और ये नोबा का साइन, तो नोबा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब मैं इसे यूज़ करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे हम इसे प्लग में इन करेंगे, सबसे पहले हमें इसे प्लग पे लगाना है, इस कॉर्ड को। तो इस स्ट्रेटनिंग के कॉर्ड को हम प्लग प्लग के साथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले प्लग आएगा, इसके बाद हम ये रस्सी से इसे प्लग के साथ जोड़ देते हैं, और ये जल गया स्विच। स्विच आने के बाद देखिए दोस्तों, इधर एक लाइट आएगा ब्लू कलर का। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लू कलर का लाइट आता है, और ये फास्ट, ये इधर रेड और इधर ब्लू, ठीक है। तो ये फटाफट से हो जाएगा। और ये टेम्परेचर कंट्रोल इसी स्विच से कर सकते हैं। इसके एक बार टैप करो तो ये नीचे आ जाए, फिर नीचे, और इधर नीचे आएगा सबसे कम। उसके बाद कोई भी टेम्परेचर सेट करने के बाद हमें इसे 30 सेकंड तक छोड़ देना है। उस 30 सेकंड में पूरा हीट हो जाएगा। उसके बाद अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन में लेना लेना चाहते हैं फिर से, तो फिर इस चीज़ को फिर से दबाइए तो ये चला जाएगा ऊपर। तो दोस्तों मैं तो अब हीट नहीं करूँगा, तो फिलहाल मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों ये थोड़ा सा हीट हो गया दोस्तों, 30 सेकंड्स हीट हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, तो अगर मैं आपको हेल्प किया, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों जैसे कि मुझे चैनल के बहुत मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे सपोर्ट भी करना। और थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो कल फिर मिलते हैं कोई दूसरी टॉपिक पर।